दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने डिफेंस क्लासेस पर। दोस्तों हम लोग बातचीत करने वाले हैं आपका EOC के रिटर्न के एडमिट कार्ड को लेकर के। आप सभी साथी यहां पर देख सकते हो कि आप लोगों का ट्रेडमैन और फायरमैन के लिए दोस्तों आप लोगों के एडमिट कार्ड को जारी कर दिया गया है। आप यहां पर देख सकते हो दोस्तों, मैंने जो सबसे पहले आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया था कि आज से, यानी कहने का मतलब है आप लोगों का 1 से लेकर के 5 के बीच में हमने बताया था एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा। आज आपकी 4 तारीख है, आप लोग देख सकते हो आपका एडमिट कार्ड आप लोगों के सामने। देखिए दोस्त, अगर बात करें जो पहले जो आपका सिनेरियो बन रहा था 28 मई बन रहा था, लेकिन AOC ने दोस्तों बहुत ही तेज काम किया। AOC ने जो आपका एग्जाम है दोस्तों, अब आपका 21 मई को आपका ट्रेडमैन का एग्जाम होने वाला है। और दोस्तों जो अभी तक जानकारी मिल रही है, दोनों के एग्जाम हो सकता है एक साथ हो, और अगर एक साथ नहीं होते तो 1-2 दिन पहले ही आप लोगों का एग्जाम फायरमैन का होगा। इसको आप लोग मान के चलिए, अभी फायरमैन में बहुत ही कम बच्चों के एडमिट कार्ड देखने को मिले हैं, बहुत ही कम बच्चों के एडमिट कार्ड आए हैं। वो आपको अभी मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि हमारे पास फायरमैन के बहुत सारे बच्चों के एडमिट कार्ड आए, उसमें से दोस्तों 1 का एडमिट कार्ड मैं लेकर के दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहा हूँ। आप सभी साथी यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है ना, किस तरीके से बच्चों के एडमिट कार्ड वगैरह आए हैं आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। क्या आपका सेंटर वगैरह है, आप ये सारी चीज़ों को भी देख सकते हो कि आप लोगों का जो सेंटर है वो किस तरीके से गया है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हमसे पूछ रहे थे कि सर क्या हमारा जो सेंटर है वो चेंज हुआ है। दोस्त अगर बात करें, देखें आप अपने सेंटर की बात करें आप लोगों के, तो जो आपका फिजिकल का सेंटर था, मोस्टली बच्चों का जो सेंटर है वही है, यानी मोस्टली बच्चों का अगर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि जो आपका सेंटर था वही सेंटर आपका फिजिकल का था, वही आपका रिटर्न का भी सेंटर आप यहाँ पर देख सकते हो। बहुत ही कम बच्चों के चेंज हुए हैं, लेकिन अब देखने में ये होगा कि हाँ कितने बच्चों के चेंज हुए हैं, इसके बारे में भी हम लोग देखने वाले हैं कि कितने बच्चों के चेंज होते हैं। अभी आज सबका एडमिट कार्ड आ जाने दीजिए तो पता चल जाएगा कितने बच्चों का सेंटर चेंज हुआ है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि सर क्या जो है अब जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम हमारा ऑफलाइन होगा ऑनलाइन। दोस्तों देखिए आप लोग यहाँ पे खुद देख सकते हो कि दोस्तों आपका जो एग्ज़ाम है रिटन टेस्ट, आप यहाँ पर खुद देख लीजिए, वो आपका ऑफलाइन है। तो ये आपका जो क्वेश्चन था ये आपका सॉल्व हो चुका है, यानी आपका एग्ज़ाम दोस्तों ऑफलाइन ही होने वाला है, OMR बेस्ड होने वाला है, ठीक। इसके अलावा मैं बता दूँ आप लोगों का जो एग्ज़ाम है, जिस तरीके से आपका एग्ज़ाम होगा उसी तरीके दोस्तों एकदम फुल लेंथ पेपर मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप लोग टेलीग्राम से, व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए। और देखिए जिन साथियों के अभी एडमिट कार्ड आ रहे हैं फायरमैन वगैरह के लिए, तो मैं उनको एक देखिए नंबर प्रोवाइड करवा रहा हूँ। इस नंबर पर वो लोग क्या करेंगे, अपने एडमिट कार्ड को सेंड कर सकते हैं, ठीक है। वो अपने एडमिट कार्ड को इस नंबर पर सेंड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर नंबर लिख दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। इस नंबर पर आप सभी साथी जिनके भी एडमिट कार्ड आ रहे हैं फायरमैन वगैरह के, वो लोग इस नंबर पर सेंड कर सकते हैं एडमिट कार्ड, ताकि और बच्चों को भी फायदा हो जाए। आप लोगों की जो दोस्तों डिटेल है उसको हाइड रखा जाएगा, आपकी कोई डिटेल को शो नहीं किया जाएगा, इसके लिए निश्चिंत रहिए। आप यहाँ पर देख सकते हो साथी की भी सारी डिटेल को हमने हाइड कर दिया, ठीक है। कोई डिटेल दोस्तों आप लोगों की शो नहीं की जाएगी, इसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहिए, ठीक है ना। और अगर आप लोगों के कुछ डाउट और भी रह गए हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, उन सारे डाउट को दोस्तों हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। किसी प्रकार का आपका कोई डाउट हो तो आप लोग बताइएगा, उसको पूरी की पूरी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। और इसके अलावा मैं बता दूँ आपका, देखिए जिन साथियों के एडमिट कार्ड आ रहे हैं वो आसानी से एग्ज़ाम सेंटर पहुँचे, उसके लिए वीडियो वगैरह किस सेंटर पर कैसे आपको पहुँचना, वो सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है ना। और जितने भी साथियों के एडमिट कार्ड आ चुके हैं वो अपने रिजर्वेशन वगैरह कर लिए, ताकि आपको एग्ज़ाम देने में किसी प्रकार कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। और एग्ज़ाम से दोस्तों 1 दिन पहले ज़रूर आप लोग एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचने की कृपा करें, ठीक है। आप लोग 1 दिन पहले पहुंच जाएं, और मोस्टली बच्चों का दोस्तों जो देखने में आया है, जो उनकी जहां पर फिजिकल का सेंटर था वहीं पर दोस्तों उनका एग्जाम यानी रिटन एग्जाम का भी सेंटर आप लोग यहां पर देख सकते हो। और फायरमैन का दोस्तों जल्दी अभी एडमिट कार्ड कुछ बच्चों के आ जाएंगे, उसका वीडियो मैं भी आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। और सभी साथियों से निवेदन है कि एकदम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए, और अपने पेपर में इंग्लिश वगैरह में दोस्तों 25 में से कम 22 क्वेश्चन ठीक करने के लिए, GK में अच्छे नंबर स्कोर करने के लिए, आप लोग डिफेंस क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लो, जरूर जुड़ जाओ टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाओ, जहां पर आप लोगों को पूरी PDF एकदम पेड क्लासेस के तरीके बाई लैंग्वेज में मिलती है, जिससे आप लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। जो बच्चे हमारे साउथ के, नॉर्थ वगैरह के हैं, जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम है हिंदी को लेकर के, उनके लिए दोस्तों हमने बाई लैंग्वेज नोट्स तैयार किया है। आप सभी साथी जुड़ जाइए, वहां पर आपको नोट्स वगैरह मिल रहा है। कल मैं कुछ नोट्स आप लोगों को PDF बना करके डाल दूंगा, जिसको आप लोग पढ़िएगा, जिसमें आपको बहुत फायदा होने वाला है। एकदम स्पेशल ऑथेंटिक नोट्स हैं दोस्तों, वो खाली आपका AOC के रिटर्न एग्जाम के लिए। तो सभी साथी चैनल से जरूर जुड़ जाएं, और टेलीग्राम ग्रुप से, व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाएं, जहां पर आपको बहुत फायदा होने वाला है। बाकी बच्चों से आप लोग बातचीत करके पूछ सकते हो किस तरीके की दोस्तों आप लोग इंग्लिश वगैरह की प्रैक्टिस चल रहे हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आप लोग चैनल से जरूर जुड़े। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।